नमस्कार, झारखंड के संथाल प्रगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं, उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड चैंपियनशिप के खिलाफ खूब लड़ी लवलीना, सेमीफाइनल में हारी, कांस्य पदक पर कब्जा। टोक्यो ओलंपिक का आज 13वां दिन था। महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन 69 किलोग्राम में वर्ल्ड चैंपियनशिप तुर्की की सुजेनाज सुरमेनेली के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। हालांकि लवलीना ने पदक पहले ही पक्का कर लिया था। सेमीफाइनल में हार के साथ उन्होंने कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इससे पहले भारतीय पहलवानों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। रवि कुमार और दीपक पुनिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज महिला हॉकी टीम का मैच है। टीम फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरेगी। महिला हॉकी टीम पहले ही इतिहास रच चुकी है और अब इसका लक्ष्य टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को हराकर अपनी उपलब्धियों को शिखर पर पहुंचाना होगा। झारखंड में 2500 माध्यमिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड के माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 2500 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर एक बार फिर तैयारियां शुरू कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर कार्मिक विभाग से नियुक्ति के संबंध में राय मांगी है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने भी लंबे समय बाद एक बार फिर प्राथमिक शिक्षकों को आरक्षित पदों से रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए उन अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो पूर्व में प्रमाण पत्रों की जांच की उपस्थिति नहीं हो पाए थे। हाईस्कूल में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में 11 गैर अधिसूचित जिलों के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय में नियुक्ति नहीं हो पाई थी, जबकि इसी विषय में 13 अधिसूचित जिलों में नियुक्ति हो चुकी है। जज उत्तम आनंद मौत मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई को तत्काल जांच शुरू करने का दिया आदेश। झारखंड उच्च न्यायालय में धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई को इस मामले में जांच शुरू करने का निर्देश दिया ताकि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न हो सके। खंडपीठ ने यह निर्देश सीबीआई के अधिवक्ता का जवाब सुनने के बाद यह आदेश दिया है। सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य सरकार की सीबीआई अनुशंसा पत्र सीबीआई को कल ही मिला है। 4 अगस्त को सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी कर सकता है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र सड़क पर उतरे, कर रहे आंदोलन। झारखंड राज्य के भर के 10वीं और 12वीं के छात्रों ने कल मंगलवार से शिक्षा मंत्री का आवास घेरा किया। वहीं भारी संख्या में छात्रों ने मेकॉन चौक डोरंडा के पास भी सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। वहीं करीब 1000 की संख्या में राज्य के विभिन्न जिलों से आए छात्र अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 10वीं और इंटर का रिजल्ट जारी किया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए यहां बगैर परीक्षा लिए ही रिजल्ट घोषित किया था। इसमें कई पास हुए तो कुछ के साथ निराशा लगी। करीब 33,000 से ज्यादा छात्र जैक ने फेल घोषित कर दिया है। अब इसे लेकर फेल छात्रों ने नाराजगी है। राज्य भर में जैक के फैसलों के खिलाफ उनमें उबाल है। झारखंड के 12 खिलाड़ियों को सौंपा गया सीधी नियुक्ति पत्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को 12 खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति पत्र सौंपा। मौके पर टोक्यो ओलंपिक में खेल रही झारखंड की बेटी सलीमा टेटे, निकी प्रधान, दीपिका कुमारी के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सम्मान राशि दी। इसके अलावा दुबई में आयोजित होने वाले पैरालंपिक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेंट करने को अजय राज को भी 3 लाख रुपये देकर सम्मानित किया गया। रांची समेत राज्य के इन जिलों में आज होगी बारिश, वज्रपात की भी संभावना। रांची जिले समेत राज्य के कुछ जिलों में सामान्य से मध्यम दर्जे तक के बारिशों को हो सकती है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि देवघर, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम और रांची में हल्के के मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अगले 2 से 3 घंटे में इन इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। इधर मौसम विभाग की सूचना के अनुसार पिछले 24 घंटों में मानसून कमजोर रहा। राज्य में सबसे अधिक बारिश पाकुड़ 10 mm दर्ज की गई। बारिश 72 mm हुई है। पाकुड़ के 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। वहीं बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट आई है। दुमका का तापमान अधिकतम 34.8 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम तापमान चाईबासा का
22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भागलपुर गोड्डा के बीच मिली नई डेमू ट्रेन 6 अगस्त से परिचालन शुरू। भागलपुर गोड्डा के बीच नई डेमू ट्रेन मिली है। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पूर्व रेलवे ने परिचालन संबंधी नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है। ये ट्रेन दोनों दिशाओं में रोजाना चलेगी। इसका परिचालन भागलपुर से 6 अगस्त और गोड्डा से 7 अगस्त से शुरू होगा। इस रूट पर नई ट्रेन मिलने से भागलपुर, बांका व गोड्डा जिले के लोगों को यात्रा में सहूलियत होगी। इसके अलावा गोड्डा हंसडिया दुमका के बीच भी 6 अगस्त से नई ट्रेन डेमू चलेगी। दुमका पोड़ियाहाट पैसेंजर ट्रेन गोड्डा तक विस्तार किया है, जो 7 अगस्त से दोनों दिशाओं में परिचालन होगी। अब रोज चलेगी बाबा बासुकीनाथ से बाबा बैद्यनाथ धाम दरबार की ट्रेन, बदला नंबर। झारखंड के संताल में रेल नेटवर्क को दुरुस्त कर रही रेलवे ने बाबा नगरी देवघर से बाबा बासुकीनाथ के दरबार तक आने वाली ट्रेन को रोज चलाने का ऐलान कर दिया है। नई व्यवस्था 7 अगस्त से प्रभावी हो जाएगी। जसीडीह से दुमका के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन को रेलवे ने अब रविवार को भी चलाने की अनुमति दे दी है। पहले जहां सप्ताह में 6 दिन चल रही थी, वहीं अब 7 अगस्त 7 दिन चलेगी। ट्रेनों को रोजाना चलाने की अनुमति देने के साथ ही पैसेंजर बनकर चलने वाली ट्रेन को रेलवे ने डेमू बनाकर चलाने की घोषणा की है। पारा शिक्षकों की मांग नहीं हुई पूरी तो होगी आंदोलन। झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक संघ के निदेशक आलोक में मंगलवार को कैरो प्रखंड के पारा शिक्षकों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने में प्रखंड पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष किशोर कुमार यादव, महासचिव धीरेन्द्र प्रसाद राय, सचिव अनिल कुमार रवानी मौजूद थे। पारा शिक्षकों का कहना है कि चुनाव के पूर्व सरकार बनने के 3 महीने के अंदर अस्थायीकरण करने व अन्य मूलभूत सुविधा देने का वायदा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने कोई पहल नहीं की है। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पारा शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि झारखंड में पारा शिक्षकों के बदौलत ही शिक्षा अलग जगाया जा रहा है, इसके बावजूद सरकार पारा शिक्षकों की समस्या के समाधान के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रही है। सरकार अगर 15 अगस्त तक पारा शिक्षकों की अस्थायीकरण की घोषणा नहीं करती है, तो पारा शिक्षक संघ पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। मौके पर ओम प्रकाश सिंह, रघुनाथ रजवार, भुवन मंडल, दिनेश चौधरी, रामदेव यादव, बैजनाथ मंडल, नरेश टुडू, लखीराम हेमराम, वरुण मंडल, रविन्द्र यादव, लक्ष्मण मंडल, भागीरथ मंडल, शुक्र मुर्मू आदि शामिल थे। ऑनलाइन फैशन में मॉडलिंग रितिका व देशमिता ने मारी बाजी। MRS फिल्म एंड द इवेंट की ओर से आयोजित ऑनलाइन मॉडलिंग फैशन प्रतियोगिता में पाकुड़ की रितिका मिश्रा व देशमिता सरकार ने बाजी मारी। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर का था। इसमें देश भर के विभिन्न शहरों से प्रतियोगियों के ऑनलाइन हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता को 3 श्रेणी, सीनियर, जूनियर और किड्स में बांटा गया था। जूनियर में रितिका मिश्रा तथा किड्स में देशमिता सरकार सफल हुई। MRS फिल्म एंड द इवेंट के निदेशक MS रॉकी ने बताया कि MRS फिल्म एंड द इवेंट आर्ट ऑफ द संस्कृति के क्षेत्र में कई तरह के कार्य कर रहे हैं। फिल्म निर्माण, डांसिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कॉस्टेड फेस्टिवल, अवार्ड शो तथा फिल्म फेस्टिवल, फोटोशूट आदि का आयोजन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और इधर रितिका और देशमिता ने बताया कि सफल होकर काफी खुश हैं, मेहनत कर आगे बढ़ने की तमन्ना है, ताकि पाकुड़ का नाम रोशन हो सके। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।